नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कविताज क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ कुछ प्लांट्स की कटिंग को लगाना, जो कि आप इस मौसम में बहुत इजीली कटिंग ग्रो कर पाएंगे। तो मैं यहाँ कुछ प्लांट्स की मैंने कटिंग ले लिया, जिसकी भी कटिंग मुझे लगानी है उन सब की मैंने कटिंग्स ले लिया। तो देखिए, सबसे पहले ये है चांदनी का प्लांट, ये डबल चांदनी का है, इसकी मैंने एक कटिंग लगाई हुई हूँ। और उसके बाद है ये देसी वाली गुड़हल जो गुच्छों में आता है, इसकी कलर बहुत ही मुझे पसंद है। और जो मैं वही कटिंग लगाती हूँ जिसके प्लांट्स मेरे एक सिंगल हैं, तो ये मोगरा का है। और चूँकि प्लांट अभी छोटा है तो बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं हो पाई। और ये कनेर का है, देखिए ये भी ग्रो हो जाती है, पतली से लेकर के मोटी सभी कटिंग ग्रो हो जाती है। ये एक जोड़ा का कटिंग है, इसकी भी मैंने दो कटिंग मैंने ली हुई है। और ये देखिए हाइब्रिड वाली गुड़हल की, इन सब की भी मैंने कटिंग ली है। अभी चूँकि ग्रोइंग पीरियड होता है और बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, तो इस टाइम पर आप पतली से मोटी सभी कटिंग आप बहुत ईजिली ग्रो कर पाएंगे। और ये मैंने हाइब्रिड वाले गुड़हल की कटिंग मैंने ली है। और देखिए इधर देसी वाले गुलाब, जितने भी देसी वाले गुलाब हैं वो इस समय बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हो जाती है, सब में बहुत अच्छी तरीके से रूटिंग हो जाती है। और देखिए ये सभी जितने भी हैं सभी देसी वाली गुलाब की कटिंग है। ये मेरा हाइब्रिड वाला यानी इंग्लिश रोज़ की कटिंग है, तो इन्हें भी ट्राई करती हूँ लगाने का कटिंग से, अगर लग जाए तो फिर ठीक है। और ये देखिए जितने भी कटिंग मैंने ली है सभी मैंने पतली पेंसिल आकार की कटिंग ली है। और ये देखिए गुलदावदी की कटिंग, तो इस टाइम पे अगर आप गुलदावदी की कटिंग लगाते हैं तो आपको पिंचिंग करने का समय बहुत अच्छा तरीके से मिल जाता है। और ये हाइब्रिड वाली एक जोड़ा की कटिंग, तो इतनी कटिंग मैंने ली हुई है और इसी को मैं आज ग्रो करूँगी। और फ्रेंड्स, 15 से 20 दिन में बहुत ईजिली ये नए प्लांट बन जाते हैं, बहुत अच्छी इसमें रूटिंग हो जाती है। और उसके बाद आप जो है इसे आप रिपोर्ट कर पाएंगे। तो देखिए सारे लीव्स मैंने एक्स्ट्रा लीव्स सबके निकाल लिए हैं। और इस तरीके से आप या तो रूटिंग हार्मोन का यूज करें या ना करें तो भी ये बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप एलोवेरा जेल में डिप करके आप इसे लगा सकते हैं। तो मैं प्लेन ही मैं ग्रो करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं मिलाती हूँ। और जितने गुलदावदी के थे मैं इस तरीके से बड़े से जो प्लांट के नीचे में जो भी एक्स्ट्रा जगह थी मैं उन्हीं में गुलदावदी की कटिंग को इस तरीके से लगाती हूँ। और ये मेरा एक पॉट है जो खाली, इसमें मैंने गुड़हल की कटिंग इसको लगाया हुआ है और बाकी जो है वो डिस्पोजल वाले कप में मैंने कटिंग को ग्रो किया है। तो फ्रेंड्स, कटिंग आप किसी भी वेस्ट में आप लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप किसी भी पॉट में भी डाल के छोड़ सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से लग जाती है। और मैं कटिंग अलग से नहीं लगाती, मैं इसी तरीके से लगाती हूँ। और नेक्स्ट मैं तुरंत नहीं छेड़ती हूँ, तो इसी तरीके से मेरी सारी कटिंग रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप भी इस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए आप भी अभी नए नए पौधे ग्रो कीजिए कटिंग से, और कुछ बीजों से भी तैयार हो जाते हैं, तो आप बीज और कटिंग दोनों से इस टाइम पे आप नए नए पौधे बनाते रहिए। और मैंने वही कटिंग लगाई जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।